तो ये एनीमे शुरू होता है सल्लू यागामी से। सल्लू यागामी जिसके पास बचपन से है गर्ल्स नोट, और गर्ल्स नोट से दुनिया की सारी सिंगलनेस खत्म करना चाहता है और बनना चाहता है प्यार का नया भगवान, लव गुरु। लव गुरु गर्ल्स नोट की ताकत से दुनिया के बेसहारा लोगों को उम्मीद देता है, खुद की हुई नहीं पर लोगों का ब्याह करवाता है। लाइफ का ट्रेजेडी देख यार, अपना भाई साला अभी तक कुंवारा है। लेकिन लव गुरु की एक दिन जिंदगी पलट गई क्योंकि इसकी जिंदगी में आया एल, आई मीन गोविंदा, एके भास्कर। भास्कर जिसके अंदर प्यूबर्टी जाग आई, तो अब इसे भी चाहिए लुगाई। तो ये टास्क है सल्लू यागामी के लिए आसान, या इसे ऐसा लगता है, क्योंकि एल भास्कर को कोई आम औरत नहीं, उसे पसंद है कातिल कैटरीना कैफ कौशल। What? तो सल्लू यागामी की फटके चार, आखिर क्यों ना हो यार। यहाँ एक तरफ 1,000 करोड़ नेटवर्थ वाली अपनी कंपनी की सीईओ कातिल कैटरीना कैफ कौशल, तो दूसरी तरफ है महीने का काट पीट के 30,000 कमाने वाला एल भास्कर। मगर तुम भी अगर घर बैठे बैठे पैसे कमाना चाहते हो तो डाउनलोड करो बिनोमो ऐप। बिनोमो एक ट्रेडिंग ऐप है जहाँ से आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो फॉर योर एक्स्ट्रा पॉकेट मनी यार। लेकिन उससे पहले ये पता होना जरूरी है कि बिनोमो ऐप वर्क कैसे करता है, तो लेट मी शो यू। सबसे पहले आपको बिनोमो ऐप डाउनलोड करना है नीचे दिए हुए लिंक से, ओके, जिसके डेमो अकाउंट में आपको पैसे मिलेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो यार, रियल अकाउंट में मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं, तो अब मैं 7,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ कंपनी में। अब मुझे वेट करना है कि जिस पॉइंट पे मैंने इन्वेस्ट किया उससे ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे। तो जैसे ही ग्राफ ने रेड लाइन क्रॉस की, मैंने अर्न कर लिए 12,800 रुपए। क्या बात है। तो ये पैसे मैं अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ यूजिंग UPI, नेट बैंकिंग, फोन पे या पेटीएम से। अगर आप ट्रेड करते टाइम कोई भी इश्यू फेस करते हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो बिनोमो की हेल्पलाइन में। लेकिन धमाके वाली बात ये है कि बिनोमो पे चल रहा है टूर्नामेंट जिसके अंडर आप प्राइजेस जीत सकते हो वर्थ ₹50,000। तो जल्दी से डाउनलोड करो बिनोमो ऐप एंड गेट अ चांस टू विन वर्ल्ड ट्रेडिंग कप 2021। तो सल्लू यागामी बोलता है, औकात क्या है तुम्हारी के? भास्कर ई ना हो पाएगा, हमको माफ करो, रास्ता साफ करो। मगर अभी नई नई जवानी चढ़ी है भास्कर को, ऐसे कैसे पीछा छोड़ दे। लाइफ का 5वां ट्रू लव जो है, तो सल्लू यागामी को वही करना होगा जो हर फ्रस्ट्रेटेड हस्बैंड अपनी बीवी से परेशान हो के करता है, एक महंगी थाईलैंड वेकेशन, वो भी सस्ते में। Does your wife know about Bangkok? You're promoted. तो मूवी में हीरो है, हीरोइन है, साइड किक भी है, पर विलन नहीं है। तो एंट्री होती है विलन की, जिसका नाम है छोटा डॉन। छोटा डॉन क्योंकि इसका इसकी हाइट छोटी है, जस्ट लाइक योगी। और इसका पीछा 11 जिलों की पुलिस कर रही है। तो इसका स्टिंग ऑपरेशन करने आई है जर्नलिस्ट ब्रेन लारा दत्ता। ब्रेन लारा। मगर शायद इसके पास ज्यादा ब्रेन नहीं है, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन में दीदी अपना फोन वाइब्रेट पे करना भूल गई। व्हाट द फूल, नहीं पता इसे स्टिंग ऑपरेशन का रूल। तो ये अपने ब्रेन लारा का यूज करके वहाँ से भागती है साइकिल पे। पागल है क्या? दीदी आपकी मौत आज पक्की है। मगर तभी इसको बचाता है क्यूपिड सल्लू यागामी। सल्लू यागामी ने इतने घर बसाए मगर कभी खुद का घर ना बसा पाए। मगर ब्रेन लारा दत्ता को देख इनको भी सूली घोड़ी चढ़नी है यार। जा रही तुम दूर, पर मैं टच में रहूंगा। और सिंस उस जमाने की मीडिया फियरलेस थी या ये कहानी सेंसलेस थी, तो ब्रेन लारा दत्ता को मिल गया प्रमोशन और कंपनी का लैपटॉप फॉर्मेट कर गया। वहाँ थाईलैंड के फुकेत में ये महीने का 30,000 कमाने वाला कॉर्पोरेट स्लेव पहुँच जाता है सल्लू यागामी के पास, जो अपनी बहन और उसके बच्चों के साथ आया है। आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। या मैं तेरी कोई अच्छी दोस्त नहीं है क्या? है, शादी करेगा? कोई चांस नहीं। मगर सल्लू यागामी इसको भगाना चाहता है। वहीं पे दीदी और बच्चे इसको अपने परिवार का हिस्सा मानने लग जाते हैं फॉर सम रीजन। तो भास्कर को कर लेते हैं इनवाइट अपने स्ट्रिप पे। भास्कर का होटल का खर्चा बच गया यार, डिनर का भी खर्चा बच गया। गाइस पैसे बचाओ, भास्कर बन जाओ। मीनवाइल दीदी का लड़का काम कर रहा है अपने साइंस प्रोजेक्ट पे, जो बना रहा है मिसाइल।
ये कौन सा स्कूल प्रोजेक्ट है बे? ये व्हाइट हेड जूनियर वाले बच्चों से क्या क्या करवा रहे? ये मिसाइल प्लेन में लेके कैसे आया? कितने अमीर लोग हैं ये? I have so many questions. I don't need sleep. I need answers. तो ये हाफ टिकट बोलता है, भास्कर मामा ये देखो मिसाइल, अगर मैं को पीपी डायरेक्टर गो बोलूंगा तो ये मिसाइल घुस जाएगी किसी में जाके, अच्छा, और 100 मीटर ब्लास्ट रेडियस में कोई नहीं बचेगा। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी, वो कह रहा है। रवे, रुद्र, रवे। इस चेहरे को पहचान लो, अगर कल World War III हुआ तो ये शक्ल तुम्हें फ्रंट पेज पे दिखेगी। अगले दिन भी सल्लू यागामी रेडी नहीं है भास्कर की हेल्प करने के लिए कि वो कातिल कैटरीना कैफ कौशल पटा सके, और तेल पाउडर लगा के निकल पड़ा जेट स्की के मजे लेने। तो भास्कर कहता है, गो बेबी डायरेक्टर गो, जेट स्की के मजे लो, मैं तो यही मिलूंगा तुझे आयचा को। कि तभी बच्चा बोलता है, भास्कर मामा मत बोलो गो बेबी डायरेक्टर गो, ये मिसाइल एक्टिवेट हो जाएगी। मिसाइल एक्टिवेटेड, सल्लू यागामी टारगेट, मिसाइल गो बेबी डायरेक्टर गो। और ये मिसाइल निकल पड़ता है सल्लू यागामी की हत्या करने, मगर सल्लू यागामी की बाकी चीजों की तरह जीवन रेखा भी लंबी है, मगर जेट स्की की नहीं। तो सल्लू यागामी जेट स्की की कुर्बानी दे देता है। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताए। अब सल्लू यागामी ये नहीं कि अपने भांजे को टाटे, खतरनाक मास डिस्ट्रक्शन का वेपन बनाने के लिए यार, सल्लू यागामी भड़क रहा है एल भास्कर पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू भाई, भास्कर ने मिसाइल चलाई। अंधा क्या? तो वो कहता है, ब्लडी भास्कर तू बस कर, कातिल कैटरीना कैफ कौशल नहीं पटेगी तेरे से, तू अब मदद मांगनी बंद कर मेरे से, मर जाएगा बन के तू अंकल, अब पहली फुर्सत में निकल। मगर अगले दिन खबर आती है कि भास्कर मर गया। क्या सल्लू यागामी ने अपने डेथ नोट में भास्कर का नाम लिख दिया? तो वो चाहता है हॉस्पिटल अपने अंतिम शब्द बोलने। हे भास्कर, कैसा लग रहा है मरकर? मुझे माफ कर दे, तू अच्छा आदमी था, आज अगर जिंदा होता तो कातिल कैटरीना कैफ कौशल पटवा के तेरा घर कौशल मंगल करवा देता। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। कि प्लॉट ट्विस्ट, मरा तो कोई और था, भास्कर जिंदा है, झप्पी पालो। और अब सिंस वादा किया है कातिल कैटरीना कौशल पटवाने का, तो वेल एक गाना हो जाए। ए, अबे क्या बोला तू, निभाता हूँ जो भी मैं वादा करूँ, टेंशन में देता फिर शाना बनूं, बीफ की जो बात फिर बहाता लहू, आइटम मेरे साथ फिर बनाता बहू, झूठ बोला मैंने आगे मैं क्या कहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं लव गुरु के लड़की पटाने के स्टेप्स। स्टेप वन, कातिल कैटरीना कैफ कौशल की फाइनेंस मीटिंग में जाओ, जहां उसे अपने दोस्त के स्टार्टअप में 100 करोड़ इन्वेस्ट करने की एडवाइस चाहिए। स्टेप टू, सब मना कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो तुम बनो एक बागी और चिल्ला के कहो, हमारा नाम परपेंद्री गुलाल है, फैजल खान हमने बड़े भाई हैं। What? पागल हो गए हो क्या? फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए किसी डूबती हुई स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए? अबे बिंदास करो इन्वेस्ट, हमसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारी दोस्त है कर दो। अच्छा। स्टेप थ्री, अपने सीनियर्स पे अलग चिल्लाओ, ये सारे के सारे नल्ले हैं, ये अपनी बीवी को खुश नहीं कर पा रहे, ये बिग बॉस के विनर है और ये विलियम डेफो। What? स्टेप फोर, बदतमीजी करती, अब बोलो मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ कंपनी छोड़ के, विलियम डेफो को भी निकालो। But you can't do this to me. You know how much I sacrificed? स्टेप फाइव, कातिल कैटरीना कैफ कौशल किसी की बदतमीजी से इतना टर्न ऑन हो गई कि वो ऑफिस आके कहती है, मुझे ना तुम जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान चाहिए था, शाम को डिनर पे मिले, एडवाइस चाहिए थी, ब्रिंग कुपारास। वहाँ भास्कर के संभोग के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो विल सल्लू यागामी कैसे पीछे रहे? तो वो मुंबई में ब्रेन लारा दत्ता को ढूंढ के उसे छोटा डॉन से बचा के उसके साथ डेट फिक्स करके उसके साथ गार्डन गार्डन खेल रहा है। मगर प्लॉट ट्विस्ट, ब्रेन लारा दत्ता है एक माँ, क्योंकि इसके बच्चे की माँ को कोई माँ बना के चला गया पर ब्याह नहीं किया। वाह, ये तो जेंजी वाले निकले। वहाँ शाम को है कातिल कैटरीना कैफ कौशल की कातिल कंपनी की कलाकृतियों का कार्यक्रम, और भास्कर अपने जमाने का गोविंदा हुआ करता था, तो एक डांस हो जाए। अब अगले दिन आता है कोई मिल गया का विलेन, जो सल्लू यागामी से कहता है, ब्रो देख टिंडर बंबल पे मैच बहुत मिल रहा है, मगर मेरे को एक लड़की का स्वाइप चाहिए एक रात खड़ा रहने के लिए। तो सल्लू यागामी कहता है, ओ बहन भाई मेरा हो नहीं रहा, इसलिए दूसरों का कन्यादान करने में लगा हूं, और यही करूंगा, अगर सुहागरात मनानी है तो उससे पहले घोड़ी चढ़ो फिर घोड़ी चढ़ो, चल निकले यहाँ से।
वहाँ ब्रेन लारा दत्ता स्ट्रेस में है कि मैं ठहरी एक कवारी माल, आई मीन माँ, क्या मुझे सल्लू यागामी अपनाएगा, क्या मेरे बच्चे को अपनाएगा। हे सहेली सुलझा मेरी पहेली, मिंगल होना चाहती हूँ, कब से थी मैं अकेली। तो सल्लू यागामी वहाँ आके कहता है, ओ बहन भाई लारा दत्ता, का टेंशन लेती हो, बच्चे का स्ट्रेस है ना, होल्ड माय बीइंग ह्यूमन। हेलो देयर। तो सल्लू यागामी करता है हाफ टिकट से दोस्ती, उसको लड़ने में हेल्प कर रहा है, उसको स्कूल से उठा रहा है, उसको सिंक में करवा रहा है, और एडवेंचर के नाम पे छोटा डॉन को पिटवा रहा है, और इस हाफ टिकट को अपना पोटेंशियल बाप अभी से ही पसंद आने लगा। ये लड़का बिगड़ गया है सही में। ऑल्सो ये कौन सी जर्नलिस्ट है जो मुंबई में एक मैंशन में रहती है, एलिमोनी में मिला क्या? Yes. वहाँ एक तरफ सल्लू यागामी और ब्रेन लारा दत्ता का गार्डन गार्डन चल रहा है, तो दूसरी तरफ एल भास्कर और कातिल कैटरीना कैफ कौशल का मैंशन मैंशन चल रहा है। मगर भास्कर की ट्रेन ज्यादा आगे नहीं चल रही, तो बिना सीजीआई बॉडी वाला सल्लू यागामी कहता है, ओ बहन भाई भास्कर, एक मस्त गीली गीली पप्पी ले ले उसकी, तेरी रेलगाड़ी अपने आप स्टेशन तक पहुँच जाएगी। और वेल, लव गुरु ने कहा पप्पी लेना है तो लेना है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो वेल कि बाप आ गया कातिल कैटरीना कैफ कौशल का, जो है टास्क फोर्स का डायरेक्टर। अच्छा, तो सारा पैसा सरकारी है, मगर पोटेंशियल ससुर और पोटेंशियल दामाद की इतनी जमरी है कि टास्क फोर्स का डायरेक्टर इसे अगले दिन इसके महंगे क्लब महिंद्रा में बुला लेता है। बेटा दहेज में सीईओ की कुर्सी तो तेरी पक्की है, और जो कुर्सी पे पहले बैठी थी वो भी तेरी पक्की है। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। Meanwhile, ब्रेन लारा दत्ता को जाना है किसी इवेंट पे, तो वो अपने बेटे को किसके पास छोड़े, सहेली के पास। मगर इसकी सहेली तो कोई मिल गया के विलन के साथ जादू जादू खेल रही है, क्योंकि इस हराम खोर को इस लड़की के साथ रात में खड़ा होना था। बड़ा हरामी है भैया, और ये लड़की इससे सेट भी हो गई, अकल की अंधी। तो ब्रेन लारा दत्ता क्या करे अपने बेटे का, कहाँ छोड़े इसे। सिंपल, अपने फ्यूचर होने वाले हस्बैंड सल्लू यागामी के पास। Five problems, one solution. तो ये दोनों पिक्चर देखने जाते हैं कि भास्कर आके कहता है, सल्लू यागामी मेरा कट गया, टास्क फोर्स का डायरेक्टर दोखला निकला, कातिल कैटरीना कैफ कौशल की शादी विक्की से करवा रहा है, और उसे लेके राजस्थान चला गया। कुछ करो वरना ये कॉन्फिडेंशियल शादी हो जाएगी और मैं कवारा रह जाऊंगा। तो ये लोग मुंह उठा के अमेज़न प्राइम का शो बोल के शादी में घुस जाते हैं। मगर गेस व्हाट, इस शादी में तो पहले से ही ब्रेन लारा दत्ता है, ये एक्चुअली प्राइम से। Yes. तो अब सब यहाँ यूनाइट हो ही गए हैं, तो वेल एक शादी वाला गाना हो जाए। बाबुल की दुआएं लेती जा। मगर टास्क फोर्स वाले डायरेक्टर ने इन्हें पकड़ लिया। वेल चुप चुप के रहना था ना, ये नहीं कि सेंटर स्टेज पे नाच नाच के अटेंशन ग्रैब करनी थी। तो टास्क फोर्स का डायरेक्टर कहता है, हराम खोर भास्कर, तेरी औकात क्या है जो मेरी बेटी से शादी करेगा तू, मेरी बेटी इस अंग्रेज विक्की से शादी करेगी। तो भास्कर कहता है, सर इन्होंने हम पे 200 साल राज किया और आप इन्हें अपनी बेटी दे रहे हो, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, प्यार ही नहीं लव करता हूँ, और सिर्फ 50% दहेज लूंगा, मान जाओ प्लीज। तो टास्क फोर्स का डायरेक्टर कहता है, वेल इतना खर्चा हो गया है, दुल्हा भी आ गया है, लोग बहुत सारे हैं, बट स्टिल मैं तेरी बातों से कन्विंस हो गया हूँ, जा कातिल कैटरीना कौशल जी ले अपनी जिंदगी। वहाँ ब्रेन लारा दत्ता की सहेली कोई मिल गया के विलन के साथ जादू जादू खेल रही है, और उसे कहती है, बाबू अब तो हमने सब कर लिया तो हमारी शादी होगी ना। तो कोई मिल गया का विलन कहता है, अबे निब्बी है क्या, मुझे तो बस रात में खड़ा होना था, मैं तो चला, स्वाइप राइट अनमैच, ओके बाय। तो ये ब्रेन लारा दत्ता के पास जाके बोलती है, एक्सक्यूज मी माय एक्सक्यूज मी। तो ब्रेन लारा दत्ता जाके कोई मिल गया के विलन को कहती है, हराम खोर लड़कियों को यूज करता है, कल पेपर में तेरी फोटो छापूंगी और तुझे मुंबई में वर्ल्ड फेमस कर दूंगी, फिर तेरा बिग बॉस करियर शुरू। तो ये कहता है, दीदी नहीं मुझे बिग बॉस नहीं जाना, मुझे उसी के होस्ट ने टिप्स दी थी, आई मीन लव गुरु ने दी थी, प्लीज उसको पकड़ो, मैं निर्दोष हूँ, बस हवस में मदहोश हूँ। हराम खोर झूठ बोलता है। मगर ब्रेन लारा दत्ता को एक्सपोज करना है इस लव गुरु को, मगर लव गुरु और कोई नहीं, लव गुरु है सल्लू यागामी।
तो ये अगले दिन के पेपर में सल्लू यागामी के बारे में सब लिख देती है कि कैसे ये लोगों को लड़कियों के साथ जादू जादू खेलने की टिप्स देता है, और साथ साथ भास्कर को एक्सपोज करती है कि सल्लू यागामी ने कातिल कैटरीना कैफ कौशल पटाके दी भास्कर को दहेज के लिए। तो वेल, करना पड़ेगा सब फिक्स, बंद करो नेटफ्लिक्स और चलो कातिल कैटरीना कैफ कौशल की बोट पे, जहाँ कातिल कैटरीना कैफ कौशल कहती है, तुमने उसे बोला कि सीटी मारो, बाराती डांस करो, देसी बनो, तुम्हें पता था कि मुझे ये सब पसंद है और मैं फंस गई। तो सल्लू यागामी कहता है, ओए कातिल कैटरीना कैफ कौशल, ये सब मैंने करने से मना किया था, फिर भी तू पट गई, ये इतना आसान था। ओए भास्कर, तेरा रिफंड मैं पेटीएम कर रहा हूँ, क्योंकि तूने बिना मेरे हेल्प के इसको पटाया है। चलो दोनों पैचअप करो, मैं अपना जुगाड़ बैठा के आता हूँ। ओए ब्रायन लारा दत्ता, मेरी बात सुन, वो कोई मिल गया एक विलन झूठ कह रहा है, आई डोंट सपोर्ट एक रात खड़ा, आई ओनली सपोर्ट रिलेशनशिप बड़ा, मान जा मेरी बात, निकालू मैं बारात। मैं कन्विंस हो गई, चलो ब्याह करते हैं। Well, that's just lazy writing. और बस फिर इतिहास का सबसे छोटा ब्रेकअप पैचअप होने के बाद हुकअप, आई मीन शादी के बाद वाला हुकअप, एक हनीमून। तो वेल, ये दोनों अपने अपने कमरे में जादू जादू खेल रहे हैं, आई मीन सल्लू यागामी खेल पा रहा है, बस भास्कर को अभी भी हेल्प चाहिए। अबे रुक, तू इधर ही रुक, मैं तो रुक गया। और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमारा नाम परपेंडिकुलर है, फैजल खान हमने बड़े भाई हैं। अगर लड़की से बात करनी है तो उससे सच कहो, बी योर सेल्फ यार, तुम रियल रखोगे तो सामने वाला तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, फेक बनोगे तो एक ना एक दिन पकड़े जाओगे और रिश्ते के साथ साथ भरोसा भी टूट जाएगा। और अगली बार कोई बॉलीवुड में हिच का रिमेक बना रहा हो तो प्लीज सोबर रह के बनाना यार, बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। एनी, अब एक गाना बजा दे यार। यो मार लो, मार लो, बॉलीवुड की मार लो, यो मार लो, मार लो, बॉलीवुड की मार लो। सोचा बस ओवर एक्ट किया, रे हो गया, रे हो गया, हाँ भाई का नाम रे खो गया, मैं देख के गो गंदा का डांस। यो मार लो, मार लो, बॉलीवुड की मार लो, यो मार लो, मार लो, बॉलीवुड की मार लो, यो मार लो, मार लो, बॉलीवुड की मार लो, यो मार लो, मार लो, बॉलीवुड की मार लो। भाई का नाम रे खो गया, मैं देख के गो गंदा का डांस। यो मार लो,